राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। ये प्रवेश द्वार है माँ नंदा सुनंदा देवी का। माता नंदा देवी बहुत ही शक्तिशाली माता हैं और ये उनका प्राचीन मंदिर है। जब आप किसी भी मंदिर प्रवेश करते हैं और वहाँ पे आप घंटी को या घंटे को बजा दे हैं तो आपको तब तक उसके नीचे खड़े रहना है जब तक कि उसकी जो आवाज़ है वो बंद ना हो जाए, क्योंकि ये वज़न और समय के टाइमिंग के हिसाब से बनते हैं, 2 मिनट 3 मिनट। तो जब तक वो आवाज़ आएगी उस आवाज़ से आपको मिलेगी पॉजिटिव एनर्जी। चलो हाँ। 5 पांडव खड़े हुए हैं, 5वां यहाँ है ना। फोटो खींचो, मैं आपका फोटो खींचूंगा। हमने इस पुत्री से कहा है प्लीज हमारा फोटो खींच दो। और हमारे गुरुजी हैं, अब इनसे हम पूछेंगे माँ नंदा सुनंदा की महिमा। जब हमारी जो नंदा सुनंदा जो बनती है हर महीने हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को मेला लगता है। वो मेले मूर्ति का जो निर्माण किया जाता है कदली के वृक्ष से किया जाता है और वो षष्ठी के पंचमी के दिन हमारा क्या होता है कलश स्थापन होता है यहाँ पे जी गुरु जी। षष्ठी के दिन हम क्या जाते हैं कतली के वृक्षों न्योता देने जाते हैं जी। उसको पूजा विधि विधान से पूजा पाठ करके वहाँ उनको निमंत्रण देके फिर हम बाधे घाधे के साथ भी वापस आते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह जाके बाधे पूजा पाठ करके उसको बाधे घाधे के साथ नगर भ्रमण करते हुए जी उसको कतली के वृक्ष को काट के लेके आते हैं जी। फिर वो स्तंभ के रूप में उसकी पूजा करते हैं बाहर से जी जी जी। फिर बाहर से अंदर लाते हैं उसको भी काट छाट के उसको मूर्ति का निर्माण किया जाता है। जय हो। मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है जी। और देर रात तक उसको अष्टमी के दिन दिन भर मेला चलता है यहाँ पे जी। भव्य मेला चलता है। नवमी दसवीं एकादशी या द्वादशी के दिन जो बार सही पड़ता है बुधवार या मंगल को नहीं जाते हैं जी जी विसर्जन नहीं करते हैं बुधवार या शुक्रवार को माँ को विदा करके विसर्जित करके नगर भ्रमण करते हैं उसको विदा करते हैं। वो नंदा और सुनंदा हमारी माँ पार्वती के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की पुत्री चंद्रवंशी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। अभी भी चंद्रवंशी राजा आके यहाँ पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं उनके वंशजा की यहाँ पे अभी पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, माता की यात्रा जाती है 12 साल में या 14 साल में? 12 साल। 12 साल में। 12 साल में। और 6 महीने माता अपने यहाँ रहती है और 6 महीने अपने मायके में रहती है। इसके अलावा गुरु जी और कुछ जो आप मुझे बता सके माता का जो चमत्कार है हमारी माता का? माता जी का ही हर जगह चमत्कार ही है। माँ माँ तो माँ ही माँ है। धन्यवाद गुरु जी आपका। जय हो माता। जय हो जय हो जय हो माँ। तो दर्शन करने के बाद परिक्रमा करें। माँ की महिमा आपने सुन ली है। आप देख सकते हैं ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जय हो माँ। माँ नंदा देवी आपकी जय हो माँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सीमेंट का कोई कहीं कोई भी काम नहीं है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपकी जय हो प्रभु। आपकी जय हो सदा ही जय मेरे प्रभु। वेदी है आप खुद आके देखेंगे तो आप उनका लोहा मानेंगे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है।
ऊपर ऊपर भी देखना बेटा, क्या देखो क्या कलर आ रही है, देखो सीमेंट नहीं है कहीं भी। बजरंग बली मेरे बजरंग बली। और मंदिर की दीवार से अल्मोड़े का लाजवाब नजारा, और वहां पे बच्चे आत्म रक्षा की का अभ्यास कर रहे हैं। कल को ये एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं जो देश के लिए पदक ला के देश का मान बढ़ा सकते हैं। आप मंदिर की दीवार को देखिए, ये प्राचीन समय में हमारे जो रहने के घर थे, हमारे दादा परदादा वो इसी प्रकार के घरों में रहा करते थे, और माँ का मंदिर अभी भी ठीक उसी प्रकार से बना हुआ है, उसकी छत है, और अंदर भी आप देखेंगे आप खुद ही कहेंगे हाँ ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप पढ़ सकते हैं राजा उद्धव चंद्र द्वारा निर्मित किया गया है, ये मूल रूप से भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर को उद्धव चंद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसी वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें लिखा है कत्तूरी राजवंश, उन्होंने उत्तराखंड में बहुत सालों तक राज किया, उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया और कई का पुनर्निर्माण किया। आप इस पत्थर का रंग देके जान सकते हैं कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। ऐसे ही मंदिर आपको जो है मिलेंगे जागेश्वर धाम और उत्तराखंड के कई अन्य जगहों पर। तो ये कत्यूर शैली है, रानीबाग यानी कि जो काड़ूधाम है उससे 2-2.5 किलोमीटर आगे एक स्थान है रानीबाग। रानीबाग में है चित्रशिला, चित्रशिला वहाँ आप जाएंगे, वहाँ पर कत्यूरी रानी यानी कि कत्यूरों की राजमाता रानी जिया माता का भी मंदिर है। तो आइए उत्तराखंड और देखिए यहाँ कहाँ कहाँ देवों का क्या चमत्कार है, माताओं का क्या चमत्कार है। राम राम, जय श्री राम। और ये बाबा सादगी अपनी वाइफ के साथ पिक्चर क्लिक करवाते हुए। अभी भी माँ नंदा देवी के मंदिर में हैं। अगले महीने मैं अपने गांव जाऊंगा, और पहले सबसे पहले मुझे जो मेरी माँ मेरी कुलदेवी है माँ मानीला, वो माँ जो अग्नेरी हैं उन्हीं से जो है माँ मानीला बनी है, वो भी बहुत शक्तिशाली हैं, और जिस गांव का मैं रहने वाला हूँ वो भी कत्यूर वंश के राजा का ही था, और उनका एक महल था बहुत पुराना वहाँ पे, हम जैसे ने उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया और बहुत सारा हिस्सा उसका ध्वस्त हो चुका है, जो हिस्सा बचा है वो आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद।